अभी हम इनमें से दो मद्रासी कबूतरों का शौक करवाएंगे आप लोगों को, एक नर और एक मादी। तो चलिए देखते हैं पहले इस नर को। ये नर कबूतर है और ये कलंका नर है। कलंका अबलुक कैटेगरी में है, कलर से अबलुक है। अबलुक बहुत किस्म का होता है, बहुत कलर में आता है। मेनली नसरा से आता है, हरा से आता है, नीला हरा से आता है, लाल, लल जीरा, जीरा, दोबज कैटेगरी, सब्दुम अबलुक, और यानी कि बहुत वैरायटी में आता है अबलुक। और बहुत यानी कि गिरीबाज में भी आता है, मद्रासी में भी आता है, और सिराजी जैसे कि शौक करने वाला शौकीन कबूतर उसमें भी अबलुक आता है। तो ये भी एक कलंका अबलुक है, कलंका है पर अबलुक पता नहीं चल रहा, मगर ये अबलुक है, कलर से अबलुक है। देखिए ये है पेटिया अबलुक, अब इसका रंग दिखा रहे आप लोगों को, देखिए देखिए ये है इसका जो नीचे का जो पोर्शन है, डाउन पोर्शन, जो लोअर पोर्शन इसका थोड़ा हल्का डार्क कलर है, ब्लैक में है देखिए, मगर थोड़ा थोड़ा जैसे चेस्ट पे है, और ये ताव में है, ठीक है, ताव में भी कलर है और सीने पे भी कलर है, यानी कि पेटिया, कलपेटिया, डार्क पेटिया, डार्क कलपेटिया, जो भी कहे। तो देखिए, मगर और एक बात यह है कि कलपेटिया का पूरा रंग भी इसमें है नहीं, ठीक है, पूरा रंग इसमें है नहीं, सफेद का अंदर कलपेटिया है, सफेद कलपेटिया है ये, और नीचे का पोर्शन जैसे कलपेटिया का कलर रहता है इसका भी है, हल्का में है, थोड़ा फटा हुआ। और देखिए मेन बात है इसका, जैसे कि अक्सर देखिएगा कि हर अबलुक का मेन खासियत यह होता है कि ज्यादातर पूछ सफेद होता है, इसका भी पूछ सफेद है, और कलपेटिया का पूछ गहरे कलर में होता है, पूरा यहां से लेकर माना हुआ रहता है, मगर इसका फटा हुआ है। ये पेटिया तो है पर अबलुक कैटेगरी में है। तो ये है पेटिया अबलुक, देखिए कमर में भी इसका कलर है, इसका कमर में भी कलर है देख लीजिए, मगर पूछ सफेद है अबलुक का तरह, पूछ सफेद है बोल के पेटिया भी है, पूछ भी सफेद है, इसीलिए पेटिया भी है और अबलुक भी है, और आंख काला है बोल के कलंका। देखिए कलंका मादी जैसा थोड़ा सकल सूरत है, पर ये नर कबूतर है, अच्छे क्वालिटी का नर है, करीब से दिखाने का कोशिश कर रहे। देखिए इसका आंख, देखिए ये है इसके आंख, अच्छे क्वालिटी का नर है, ये कलंका नर है, अबलुक नर है, पेटिया अबलुक नर है, तो इसको कहते हैं पेटिया अबलुक कलंका नर। तो और एक मादी का शौक करवाएंगे आप लोगों को। ये नर तो देख लिया, अब पूरा नर देख लीजिए, ये है नर, ये है इसका कलर, पेटिया 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 नर है, पेटिया कलंका अबलुक, पेटिया कलंका नर मद्रासी। अब एक मादी दिखाएंगे, तो ये देखिए ये मद्रासी मादी, ये इसका कलर, ऐसे कलर से नॉर्मली कलदुमा टाइप का है, पूछ बना हुआ है, ये इसके पर, ये इसके पर देखिए, ये इसके आंखों के कलर, गोल्डन आंख से निकला हुआ कबूतर है ये, आंख पूरा नहीं आ रहा है कैमरा में, हल्का गोल्डन आइस कह सकते हैं इसको, ये मादी है, ठीक है। और इसका साथ जो नर जोड़ा लगाएंगे उसको भी दिखाएंगे, तो ये मादी पूरा देख लीजिए, ये एक मद्रासी मादी, आई लाइन का कबूतर है ये। अब इसका जो जोड़ा लगाएंगे जो नर वो दिखाएंगे, तो ये देखिए ये नर, जो इसका पहले जो मादी दिखाया उसका साथ इसका जोड़ा लगाएंगे, पर वो मादी जो गिरेबाज छपका यानी के कलपरा टाइप का कलदुमा होता है उसका साथ जोड़ा लग चुका है, उसको हटा के, वो कलदुमा गिरीबाज नर को हटा के इसका साथ जोड़ा लगाएंगे। इन नर का आंख देख लीजिए, उस मादी का साथ इस नर को भिराएंगे, नर का आंख देखिए, ये भी पेटिया, पेटिया से निकला हुआ है, पेटिया ब्लड लाइन का कबूतर है ये
ये भी पेटिया ब्लड लाइन का कबूतर है। ये इसका दुम, ये इसके कलर, ये भी पेटिया से निकला हुआ। ये पूरा कबूतर देख लीजिए, ये नर कबूतर है। उस मादी के साथ इसको लगाएंगे। ये है आँख का कलर। पसंद आए तो लाइक भी करना, शेयर भी करना। बेहतरीन क्वालिटी का आँख है इसके। इसका पहले जो मादी दिखाया गया उसका साथ इसका जोड़ा लगाएंगे। तो ये देखिए, ये गिरीबाज नर, देसी गिरीबाज नर जो मादी पहले दिखाया था, तो उसका इसका साथ उसका जोड़ा लग चुका है। तो ये नर हटाना पड़ेगा, मतलब दूसरा केज में रखना पड़ेगा, नहीं तो मद्रासी मादी का साथ इसका जोड़ा ऐसे तो लग चुका है। तो उसका पेयर बनाने के लिए इसको दूसरा केज में रखना पड़ेगा। और इसका मादी तो नीचे गिर गया था, बिल्ली धर लिया। और एक कल्दुमा मादी, इसका कल्दुमा मादी और एक मद्रासी कल्दुमा ने नीचे गिर गया जो बिल्ली धर लिया था, और दोटो तो टाल हो गया था बोल के फेंकना पड़ा। तो इसका मादी और अलग से लाना पड़ेगा, नहीं तो ये मद्रासी मादी का साथ भीड़ चुका है, इसको दूसरा केज में रखना पड़ेगा। तो ये लगभग पुराना नस्ल का जो देसी गिरेबाज होता है वही है। ये थोड़ा लंबे, अच्छा खासा लंबा साइज का नर है। ये पकड़ में नहीं आता है। ये इसका कलर है, कोई कल्पर भी कर, मगर ये छापदार है, छापदार में कल्दुमा है। पुराने नस्ल का मतलब ये इसका जो जनरेशन है ऐसा ही रहता है। ये लगभग प्योरिटी में है, 80% तो प्योरिटी में है। ये छापदार कल्दुमा है, पुराने नस्ल का देसी गिरेबाज कबूतर। तो ये पूरा गेटअप देख लीजिए। इसका पहले जो तीन कबूतर दिखाया वो तीनों से ये बहुत साइज में लंबा है, बड़ा साइज का कबूतर है ये, क्योंकि ये देसी गिरेबाज कबूतर है। हल्का फुल्का ये टम्बलिंग भी करेगा, टम्बलर पिजियन है, गिरेबाज टम्बलर पिजियन। पसंद आए तो लाइक भी करना। देखिए पूरा कबूतर देख लीजिए, आँख फिर से दिखा दे रहे, अभी मारपीट किया बोल के आँख में थोड़ा चोट लग चुका है ये इसका आँख। सोचे इसका साथ एगो सहारनपुरी मादी देखा हुआ है, उसको लाके इसका साथ जोड़ा लगाएंगे सहारनपुरी मादी का साथ। देखना पड़ेगा बच्चा कैसे निकलता है। तो ये है गिरेबाज नर लास्ट में जो दिखाया, देखिए शौक कीजिए। ये है पूरा कबूतर। पसंद आए तो लाइक भी करना, शेयर भी करना। कबूतर कैसे लगा?